नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK कैरियर पॉइंट पे। साथियों, जैसा काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर, जो 2400 प्लस वैकेंसी है उसकी ड्यू लिस्ट कब तक आने वाली है और यहाँ पे जितने भी वेटिंग में कैंडिडेट हैं उन सबको जो है कब तक क्लियर कर दिया जाएगा और कितने नंबर तक जो है क्लियर हो जाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है सारी जानकारी देने वाला हूँ। और डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। वीडियो बने रहें एंड तक। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं UP NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए सो जितनी भी जानकारी होती है वो जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं स्टाफ नर्स वाले, जो भी जो है फाइनल डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट पूछ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा। लोकेशन प्रेफरेंस उन्होंने सभी ने भर दी होगी, ठीक है। और जिसकी जो लास्ट डेट थी वो कल आपको जो पता है जो है समाप्त हो गई है। उसके बाद में एक नई अपडेट और रही है, ये CHO वालों के लिए भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे। जितने भी 5505 CHO के लिए जो जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनकी भी मैंने हालांकि पहले बता दिया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ, लोकेशन प्रेफरेंस भर सकते हैं वो, ठीक है। अभी जो है लिंक एक्टिवेट कर दी गई है और यहाँ पर जो है जो EWS OBC NCL सर्टिफिकेट उनके लिए जो है माना जाएगा कब से पहले, 1/4/2022 के बाद का, ठीक है। उसके बाद में जो है माना जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। दूसरी बात, अब देखिए, सबसे पहले जो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे वेटिंग में कितने नंबर वालों का क्लियर हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताऊँगा। जिनका भी नाम जो है वेटिंग लिखा रहा है, जैसे फाइनल रिजल्ट आया उसमें सिलेक्ट एक चीज़ आई थी सिलेक्शन, दूसरी में आई थी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। वेटिंग जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, वेटिंग लिखा हुआ है तो वो वेटिंग लिस्ट है। और जब वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, हालांकि अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिन में जैसे ही वो क्लियर होगी वो हम आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो वेटिंग जिनका लिखा आ रहा है वो लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। और क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे 60 नंबर हैं, 58 नंबर हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे नंबर हैं और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कम नंबर हैं, तो उनका वेटिंग में लिखा हुआ आ रहा है, तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी तब उनका जो है क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी टेंशन ना लीजिए, लगभग वेटिंग वालों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग में जो दिखा रहा है उनके अच्छे नंबर हैं, वेटिंग में इसीलिए दिखा रहा है उनके अच्छे नंबर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, अब देखिए, जब वेटिंग हो जाएगी, वेटिंग आएगी उसके बाद में आपकी DB की लिस्ट आएगी, क्योंकि जो वेटिंग वालों का भी है और वो जितने भी सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का उन सभी का एक साथ ही जो है DB हो जाएगा, ठीक है। DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, और जैसे ही डेट आ जाएगी DB की उसमें भी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपके सामने जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उसमें आपके लिए सिक्वेंस से सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए जाएंगे किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। जो भी अपडेट है वो हमने आपको पहले बता दी, सारी अपडेट हम आपको सेक्वेंस से बताते रहते हैं। जैसे ही NHM पे जितने भी अपडेट आती हैं वो सब आपके लिए तुरंत बता देते हैं। उसी प्रकार से सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस हम आपके लिए बताते रहेंगे, क्योंकि अभी जो है NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग हैं, यहाँ पे अभी आपके लिए DB की लिस्ट कोई भी नहीं डाली है। DB की लिस्ट जो भी है आपकी वेटिंग के बाद में जो है आने के चांस रहेंगे, क्योंकि वेटिंग वालों का और जो सिलेक्शन जो जिनका हो चुका है उनका सभी का एक साथ जो DB हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो तुरंत आपके पास बताई जाएगी। और जितने भी नंबर हैं किसी भी कैंडिडेट के वेटिंग में कितने नंबर हो रहे हैं वो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, तो वो हम उसके बाद में आप सबको बता देंगे। लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट के अच्छे नंबर हैं, क्योंकि उनका वेटिंग में इसीलिए नाम है क्योंकि अच्छे नंबर वालों का ही वेटिंग लिस्ट है, तो लगभग यहाँ पे जो है सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट पहले से सिलेक्ट हैं और वो बस DB के लिए अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, क्योंकि DB के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है DB के दौरान जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी DB में गलतियाँ होंगी उसके कारण जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स के दौरान कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को आप क्लियर कर लीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी को देनी थी, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी NHM के थ्रू वो जल्दी से जल्दी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट देंगे आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए कैंडिडेट आए, क्योंकि सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से जल्दी से जल्दी बताई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।